और इस वक्त बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। शाहीन बाग मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है और दिल्ली पुलिस को भी इस मामले में नोटिस दिया गया है। 17 फरवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन आज टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के लिए कोई जगह निश्चित होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाता है तो जरा सोचिए कि हालात कैसे हो जाएंगे। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, कोर्ट ने क्या कहा है? संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच के सामने मामला लगा था और कोर्ट में दायर याचिकाओं में मांग की गई थी कि काफी दिनों से वहां पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, दिल्ली से नोएडा जाने वाली मुख्य सड़क है, दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और ऐसी सूरत में कोर्ट पुलिस को निर्देश दे कि वहां से लोगों को हटाया जाए। जस्टिस संजय किशन कौल ने जो ऑब्जर्व किया है वो बहुत अहम है। कोर्ट की टिप्पणी ये रही है कि काफी दिनों से ये सिलसिला वहां पर जारी है और अगर प्रदर्शन करना है तो उसके लिए कोई एरिया फिक्स होना चाहिए। अगर कोई भी कहीं भी विरोध प्रदर्शन करेगा और ऐसे सड़क जाम करेगा तो फिर तो दिक्कतें बहुत ज्यादा पड़ जाएंगी। तो कोर्ट की टिप्पणी है जो कहीं ना कहीं तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनके लिए एक नसीहत भी है। बहरहाल कोर्ट ने अभी दिल्ली पुलिस और सेंटर को इस मामले में नोटिस जारी किया है, उनसे पूछा है कि याचिकाकर्ता की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उस पर उनका क्या कहना है। 17 फरवरी को कोर्ट आगे इस मामले पर सुनवाई करेगा। अरविंद, लेकिन सवाल यह है कि जनता आज ये जानना चाहती है, कम से कम नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक यहाँ पर प्रदर्शन चलता रहेगा, कब तक ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे, सीए के नाम पर एक सड़क को जाम कर एक सड़क को कब्जे में लेकर बैठे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि कोर्ट में चूंकि इस मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस दोनों को पार्टी बनाया गया था तो ये वजह है कि कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर पूछा है कि जो कुछ याचिका में सवाल उठाए गए हैं उसके मद्देनजर क्या कुछ आप एक्शन लेने जा रहे हैं। यानी सरकार और पुलिस खुद इस प्रोटेस्ट को लेकर के जिस तरीके से सड़क जाम की गई है उसको लेकर के क्या सोचती है उसका रुख कोर्ट जानना चाहता है आगे इस बारे में कोई भी दिशा निर्देश जारी करने से पहले। 17 फरवरी को अगली सुनवाई होगी, लेकिन अहम बात है कि कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो अपने आप में बहुत अहम है। अदालत का ये कहना था कि एक फिक्स एरिया होना चाहिए जहां पर विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी जा सकती है, अगर कोई कहीं भी विरोध प्रदर्शन करेगा तो फिर तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। तो ये नसीहत भी है प्रदर्शनकारियों के लिए, लेकिन चूंकि अभी इस मामले में पुलिस और सरकार का पक्ष आना बाकी है लिहाजा कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जारी नहीं किया है कि क्या लोगों को हटाया जाए नहीं हटाया जाए। इन दोनों का रुख यानी केंद्र और दिल्ली पुलिस का जो रुख है उसके जानने के बाद कोर्ट आगे इस मामले में सुनवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए आपका।